मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। दिस इज चैप्टर 5, वेदर एंड क्लाइमेट। इन दिस चैप्टर टुडे वी विल स्टडी अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, क्लाइमेटिक जोन्स। ओके, इन द फर्स्ट स्टेप पिक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स डिस्क्राइबिंग हाउ द डे वॉज यस्टरडे। हमको ये जो हेल्पिंग बॉक्स दी गई है उसमें से सुटेबल जो करेक्ट वर्ड है यहाँ पे फिल करने हैं। जैसे इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में कैसा आपका क्लाइमेट था, आपके जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का कैसा क्लाइमेट था। एट नून, दोपहर में कैसा क्लाइमेट था, इवनिंग शाम को कैसा क्लाइमेट था और रात में कैसा क्लाइमेट था। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल द फोर ब्लैंक्स यू हैव फिल्ड डू नॉट हैव द सेम आंसर। हमने ये नोटिस किया कि जितना भी ये फिलिंग ब्लैंक्स दिया हुआ है इसमें एक जैसा आंसर नहीं मिलेगा। दिस इज़ बिकॉज द वेदर इन अ डे कीप्स ऑन चेंजिंग। ऐसा इसलिए है कि वेदर क्या होता है, एक दिन में कई बार चेंज होता है। इट मे बी प्लीजेंट, ये प्लीजेंट हो सकता है वेन यू वेक अप, जब हम सो के उठते हैं। वेरी हॉट एट नून, दोपहर में गर्म हो जाएगा। वार्म इन द इवनिंग, और शाम को थोड़ा सा गर्म रहेगा। एंड अगेन प्लीजेंट एट नाइट, और रात को दोबारा ये प्लीजेंट हो जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट, और हम इस चैप्टर में वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, एंड सबसे पहला टॉपिक आता है वेदर का। वेदर, द शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द एटमोसफियर कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज टर्म एज वेदर। शॉर्ट टर्म चेंजेस में जो भी एटमोसफियर में कंडीशन में चेंजेस होते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, वो वेदर कहलाता है। जो थोड़े समय के लिए चेंजेस होते हैं, लाइक टेम्परेचर में हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, एंड फॉग में। वेदर अफेक्ट्स द डेली लाइफ ऑफ पीपल। वेदर के कारण किसी भी जगह के लोगों का जो डेली का रोज का काम है वो इफेक्ट डालता है। द साइंटिस्ट हु स्टडी वेदर आर कॉल्ड मेट्रियोलॉजिस्ट। जो साइंटिस्ट वेदर के बारे में स्टडी करते हैं उनको मेट्रियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये आपको फिगर दिख रहा है, तीनों फिगर में सबसे पहले जो है, इन द मॉर्निंग द वेदर वॉज सनी। जो मॉर्निंग में वेदर है वो कैसा है, सनी है। दूसरे फिगर में एट नून ऑफ द सेम डे, उसी दिन का ही दोपहर में वेदर कैसा हो गया, रेनी, बारिश वाला मौसम हो गया। और थर्ड वाले में इन द इवनिंग आफ्टर द रेन इट वॉज विंडी, और शाम के समय रेनी के बाद विंडी मौसम हो गया, मतलब खूब हवा चलने लगी। ठीक है, तो इस तरह से वेदर क्या है, एक ही दिन में अलग अलग हो गए। क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन इज द वेदर प्रिवेलिंग इन दैट रीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जो क्लाइमेट है किसी भी रीजन का, वेदर का प्रिवेलिंग जो लंबे समय तक रहता है वो क्लाइमेट कहलाता है। टू डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन, अब हम क्लाइमेट, किसी भी रीजन के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए, द डेली वेदर इज़ टेकन इन टू अकाउंट फॉर मैनी ईयर्स। हम उस जगह का डेली का वेदर कंडीशन हम लेते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तब हम क्लाइमेट के बारे में ऑब्जर्व करने के बाद क्लाइमेट के बारे में कोई कंक्लूज़न निकालते हैं। ठीक है, तो यही जो हम कंक्लूज़न निकालते हैं वो किसी रीज़न के लिए, पर्टिकुलर रीज़न के लिए क्लाइमेट होता है। द डेली वेदर इज़ टेकन इन टू अकाउंट फॉर मैनी ईयर्स, और ये कई सालों का ही लिया जाता है। कई सालों तक किसी भी जगह का ऑब्ज़र्व किया जाता है वेदर, फिर उसके बारे में क्लाइमेट कंक्लूज़न निकालते हैं। क्लाइमेट अफेक्ट द फूड हैबिट्स। क्लाइमेट क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर जगह के बारे में उसकी, वहाँ के लोगों की फूड हैबिट है, क्लोथिंग है, हाउसिंग एंड ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, और वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन इफेक्ट डालता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। द पीपल हु स्टडी क्लाइमेट आर कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजिस्ट, और जो पीपल, ऐसे लोग क्लाइमेट के बारे में स्टडी करते हैं उनको क्लाइमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, वॉट इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती हैं। सबसे पहला फैक्टर है
डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से किसी भी प्लेस की दूरी, वो सबसे पहला फैक्टर है। डिस्टेंस क्या है इक्वेटर से, इक्वेटर के बारे में तो मैंने आप लोग को पहले बताया था शुरू के चैप्टर में कि इक्वेटर कहाँ पर है अर्थ में, सबसे मिडिल पार्ट होता है इक्वेटर की, इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर अर्थ की। तो हम जैसे कि ये फिगर में देख रहे हैं कि इक्वेटर ये मिडिल से होकर के जा रहा है अर्थ का, अर्थ के। तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर में द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ इफेक्टेड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, किसी भी जगह का क्लाइमेट वो इक्वेटर से दूरी के हिसाब से इफेक्ट डालता है, प्रभाव पड़ता है उसका। द रीज़न दैट आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर, जो रीज़न इक्वेटर के पास में हैं वो सन की रेज जो है उन पर वर्टिकल पड़ती है, जिससे क्या होता है एक स्मॉल एरिया ही कवर होता है, जिससे क्या होता है वहाँ पे हीट ज़्यादा पड़ती है। दिस मेक द इक्वेटोरियल रीजन मच हॉटर, जिससे इक्वेटोरियल रीजन जो होता है बहुत ही गर्म होता है। एज़ वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जाते हैं, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चाहे सदर्न हेमिस्फेयर में, दूर होते जाते हैं पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं। द रेज ऑफ द सन फॉल स्लैंटली, और जो सन की रेज होती हैं वो स्लैंटिंग हो जाती है, वो तिरछी पड़ने लगती हैं, एंड स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, जिससे कि लार्ज एरिया कवर होता है। दिस रीजन एक्सपीरियंस कोल्ड क्लाइमेट, इसीलिए ये एरिया कोल्ड क्लाइमेट में आता है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज स्लैंटिंग वे में पड़ती हैं। अब सेकेंड जो टॉपिक है वो है हाइट अबव सी लेवल और एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ ए प्लेस, एल्टीट्यूड क्या है, किसी भी जगह की ऊंचाई से हम इसको सी लेवल से, किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई को हम इस एल्टीट्यूड से डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है कि सी लेवल है, इससे जितने ऊंचे हम चलते जाएंगे वो क्या होगा वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। एज द हाइट ऑफ ए प्लेस इंक्रीज देयर इज़ अ डिक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाएगी टेम्परेचर कम होता जाएगा। दिस मींस प्लेस एट हायर अल्टीट्यूड और कोल्डर देन प्लेस एट लोअर अल्टीट्यूड, इसका मतलब ये हुआ कि हायर अल्टीट्यूड पे जो प्लेस है वो ठंडे होते हैं, जो कि लोअर अल्टीट्यूड के प्लेस पे उनके बजाय हायर अल्टीट्यूड पे रहने वाले प्लेस जो होते हैं वो ठंडे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए शिमला इज़ ए हिल स्टेशन, शिमला एक हिल स्टेशन है एंड इज़ कूलर देन मुंबई विच इज़ एट सी लेवल, और शिमला हिल स्टेशन है और ये कूलर होता है, ठंडा होता है मुंबई की अपेक्षा, क्योंकि मुंबई सी लेवल पे है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना ये चीज़। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से जो किसी भी प्लेस की दूरी, इस पर भी इफ़ेक्ट डालती है वहाँ के क्लाइमेट पर। जैसे कि डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी इज़ अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, ये दूरी पे डिपेंड करता है। द प्लेसेस दैट आर लोकेटेड नियर द सी आर कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर, ये क्या हो जाते हैं, ये ऐसे जो प्लेस हैं अगर सी से दूर हैं, दूर वाली जगह हैं, पहले तो हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि जो सी के आसपास रहने वाली जगह है वो क्या होती हैं, समर में कूलर रहती हैं और विंटर में वार्मर रहती हैं। दीज प्लेसेस हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट, ये प्लेसेस क्या हैं, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, नैदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंडी होती है। द प्लेसेस दैट आर लोकेटेड फॉर अवे फ्रॉम द सी, और जो प्लेसेस क्या होते हैं दूर होते हैं सी से, समुद्र से दूरी वाले जो जगह होती हैं वो समर में गर्म होती हैं और विंटर में ठंडी होती हैं। दीज प्लेसेस हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट, ऐसे प्लेस वो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, वहाँ पर ठंडी भी खूब अच्छी पड़ती है और गर्मी भी खूब अच्छी तरह से पड़ती है, वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। ओके, डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, डायरेक्शन ऑफ द विंड, द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज ऑल्सो इफेक्ट बाय द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ये भी क्या है क्लाइमेट पे, विंड के डायरेक्शन पे भी इफेक्ट पड़ता है। द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द सी टू लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज, और जो विंड जो है सी से लैंड की ओर बहती है, हवा फ्लो करती है, वो सी ब्रीज कराती है। दीज विंड्स कॉल मॉइस्चर, क्योंकि ऐसे विंड में मॉइस्चर होता है, एंड ब्रिंग रेन टू द कोस्टल एरिया, और ये कोस्टल एरिया में
बारिश लाते हैं. द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू सी इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज. और जो ब्रीज जो है लैंड से सी की ओर बहती हैं उनको लैंड ब्रीज बोलते हैं. द लैंड ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम वार्म एरियाज विल बी वार्म एंड ड्राई. और ये लैंड जो ब्रीज होती हैं वो वार्म अगर एरिया से हैं बह रही हैं तो वो वार्म और ड्राई होंगी. सिमिलरली इसी तरीके से जो कोल्ड एरिया से बहने वाली विंड हैं जो लैंड से सी की ओर बहती हैं वो कोल्ड और ड्राई होंगी. ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल में द टर्म ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. ह्यूमिडिटी ऐसा टर्म जो ह्यूमिडिटी मीन्स क्या होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट जो हवा में वाटर वेपर की संख्या को हम ह्यूमिडिटी से डिनोट करते हैं. जितना वाटर वेपर की संख्या ज़्यादा होगी ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी. ह्यूमिडिटी इन द एयर कॉजेज रेनफॉल. ह्यूमिडिटी से कारण ही रेनफॉल होता है. द एयर दैट ब्लोज ओवर कोस्टल एरिया इज़ यूजुअल ह्यूमिड. और जो कोस्टल एरिया के आसपास के एरिया हैं वो अधिकतर ह्यूमिड ही रहते हैं. देयरफॉर इसलिए द कोस्टल एरिया रिसीव हैवी रेनफॉल. इसी कारण जो है कोस्टल एरिया जो है वो ज़्यादा हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं, हैवी रेनफॉल होता है. ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ द एयर दैट ब्लोज फ्रॉम द डेजर्ट इज़ ड्राई एंड डजंट कंटेन मॉइस्चर. और जो यहाँ से दूर के एरिया हैं सी के से दूर के एरिया हैं या डेजर्ट एरिया हैं वो वहाँ की हवा क्या होती है, ड्राई होती है, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता है, जिसके कारण क्या डेजर्ट में बहुत ही कम बारिश होती है. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्लाइमेट जोन. क्लाइमेटिक जोन में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन, इसी तरह से सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम द अर्थ डिवाइडेड इंटू 3 क्लाइमेटिक जोन और हीट जोन्स. हम अर्थ को 3 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड कर सकते हैं. लेट अस हैव अ लुक एट द 3 क्लाइमेटिक जोन. और 3 क्लाइमेटिक जोन के बारे में चलिए पढ़ते हैं कि क्या है. टॉरिड जोन, द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 degrees north and the Tropic of Capricorn 23.5 degrees south is known as Torrid Zone. ये Torrid Zone के नाम से जाना जाता है. It is hottest zone. ये अर्थ के पूरे पार्ट में सबसे hottest zone होता है क्योंकि ये direct sun rays receive करता है, इसलिए यहाँ पर बहुत गर्मी होती है. This zone experiences hot and humid climate. और ये जो है जोन यहाँ पे हॉट रहता है, ह्यूमिड भी क्लाइमेट बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि यहाँ पे हाईली ह्यूमिडिटी प्लेसेस होती है, इसलिए यहाँ पे हैवी रेनफॉल भी होती है. टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन के द एरियाज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 degrees नॉर्थ, जो 23.5 degrees नॉर्थ है, एंड द आर्कटिक सर्कल 66.5 degrees नॉर्थ है, इनके बीच का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एरिया, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 degrees साउथ में है, और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 degrees साउथ में है. इन दोनों बीच का एरिया, ये और ये एरिया क्या है, टेम्परेट जोन कहलाता है. ये साउदर्न हेमिस्फेयर में द प्लेसेज दैट आर लोकेटेड इन दिस जोन नैदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. और ये प्लेसेज जो हैं यहाँ पे इस एरिया में रहने वाले प्लेसेस बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होते हैं और ना बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेटर पे रिसीव सेंटिंग रेज ऑफ द सन, सन की रेज जो होती है बहुत तिरछी पड़ती हैं. अब नेक्स्ट है फ्रिजिड जोन. द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्कल 66.5 degrees नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोल 90 degrees नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो नॉर्थ पोल के पास का 90 degrees नॉर्थ में है, एंड द अंटार्कटिक सर्कल 66.5 degrees साउथ एंड द साउथ पोल 90 degrees साउथ में. यहाँ पर ये फ्रिजिड जोन है, साउदर्न हेमिस्फेयर में है, फ्रिजिड जोन के नाम से जाना है. दिस जोन हार्डली रिसीव एनी सनलाइट. यहाँ पे सूर्य की रोशनी बिल्कुल ना के बराबर पहुँचती है, या तो पहुँच ही नहीं पाती या तो कम पहुँचती है, इसीलिए ये बहुत ही ठंडा रहता है. पूरे साल भर इतनी ठंड रहती है कि हमेशा यहाँ पे बर्फ जमी रहती है. ठीक है, दिस इज़ द चैप्टर 5 वेदर एंड क्लाइमेट. ओके क्लास, थैंक यू.